खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद से है। जनपद के बैतालपुर विकासखंड में आज ब्लॉक प्रमुख अध्यक्ष व सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह था, जिसके मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही थे। साथ ही इनके साथ देवरिया सदर के बीजेपी विधायक डॉक्टर सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी व देवरिया जिला पंचायत अध्यक्ष गिरीश चंद तिवारी भी मौजूद थे। शपथ ग्रहण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। साथ ही मंत्री के बगल में बैठे विधायक व जिला पंचायत अध्यक्ष बिना मास्क के ही बैठे थे और पूरे कार्यक्रम के दौरान मास्क नहीं लगाया। वहीं वहां मौजूद तमाम व्यक्ति बिना मास्क के थे। जब कृषि मंत्री से पत्रकारों ने सवाल किया कि बसपा ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है, इसकी बीजेपी पर क्या प्रभाव होगा, के जवाब में मंत्री जी ने कहा कि बसपा के छल छद्म को सभी लोग समझ चुके हैं। ब्राह्मण राष्ट्रवादी है और सदैव राष्ट्र के साथ खड़ा रहा है। वहीं बिना मास्क लगाए बीजेपी पदाधिकारियों के सवाल पर कहा कि मेरा सभी से आग्रह है कि मास्क लगाएं। जिस तरीके से थर्ड वेरियर आगे बढ़ रहा है, संक्रमण रोकने के लिए सभी मास्क लगाएं और जो अग्रणी लोग हैं उन्हें अवश्य मास्क लगाना चाहिए। वहीं बिना मास्क लगाए बीजेपी के सदर विधायक से हमने सवाल किया तो आपको कोरोना से डर नहीं लगता, के जवाब में इनका कहना था कि डर लगता है, मास्क यहीं कहीं होगा, कुछ खाने के लिए मास्क तो हटाना ही पड़ता है। देवरिया से हमारे संवाददाता प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देखिए बसपा के छल छद्म को सभी लोग समझ गए हैं। जिस तरीके से मारीच की तरह से उन्होंने सम्मेलन किया था और बाद में जिस तरीके से ब्राह्मणों पर उन्होंने जाति किया, ये सब पूरा ब्राह्मण समाज जानता है। और भारतीय जनता पार्टी तो राष्ट्रवाद के आधार पर इस देश को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। वह लोग जातिवाद परिवारवाद में लिप्त हैं और इसलिए ब्राह्मण उनके प्रभाव में नहीं आएगा। ब्राह्मण एक राष्ट्रवादी है और राष्ट्र के साथ हमेशा खड़ा रहा है, अग्रणी भूमिका उसमें अदा करता रहेगा। मंत्री जी, आप मन से भी और लगातार कोरोना संक्रमण लेकर बात कर रहे हैं, आपके सामने आपके पदाधिकारी उनको सबसे मेरा आग्रह है कि मास्क लगा के रखना चाहिए। अभी भी मैं यह अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से थर्ड वेरियंट आगे की ओर बढ़ रहा है, हमें कोशिश करना चाहिए कि उसका फैलाव न हो। और उसके लिए ज़रूरी यह है कि हम संक्रमण से बचाए जाने के लिए हम बराबर निरंतर मास्क लगा करके रखें और जो अग्रणी लोग हैं उनको तो निश्चित रूप से मास्क पहन करके ही रहना चाहिए। तीसरी लहर का खतरा बढ़ गया है, आपको कोरोना जन्म लगता है क्या? डर लगता है। अरे मास्क लगाते हैं आप? मास्क ही कहीं होगा, अभी आदत था भाई, कुछ खाने के पहले मास्क तो हटाना पड़ेगा। नहीं, मैं मास्क लगाता हूँ और लोगों से अपील भी करता हूँ कि सभी कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और सभी मास्क लगाएं, क्योंकि उस खाने के लिए मास्क तो हटाना पड़ता है।